डेवलपर ब्रज बजूआ मैं इस चीज के बारे में इतना बहुत जानकार नहीं हूँ सारे विषय के बारे में, लेकिन जो भी निर्णय लिया निश्चित तौर से सही निर्णय। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे विवाद में भाजपा के अंदर पल्ला झाड़ राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ भाजपा के सांसद से सवाल पूछने पर वो हाथ झटकते हुए इसे बेबुनियाद की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर एक मंत्री महोदय इस पूरे विवाद पर कहते हैं, मैं इस विषय पर इतना जानकार ही नहीं हूं, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है वो ठीक ही लिया होगा। दरअसल पहलवान बेटियों के समर्थन में ना ही पहले और ना ही आज भाजपा का कोई नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रकरण में भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह मुख्य आरोपी हैं, जो आज तक पार्टी के सांसद बने हुए हैं। लंबे विवाद के बाद बीते दिन खेल मंत्रालय ने नई कुश्ती संघ को भंग कर दिया, तो पहलवानों की जीत के चर्चे होने लगे। ऐसे में अब भाजपा सांसद और मंत्री से सवाल पूछा जाने लगा तो कोई पल्ला झाड़ रहे हैं, तो कोई कहता नजर आया कि हमें तो इस मामले की जानकारी ही नहीं है। देखिए, सरकार ने जो भी निर्णय लिया होगा, मंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया वो सोच विचार के निर्णय लिया, वो सही निर्णय लिया होगा। मैं इस चीज के बारे में इतना बहुत जानकार नहीं हूँ सारे विषय के बारे में, लेकिन जो भी निर्णय लिया निश्चित तौर से सही निर्णय लिया। सर, अब जो जिन पहलवानों ने संन्यास लिया है या जो पदक वापसी की बात कर रहे हैं, क्या उनको अपनी जो है पुरानी स्थिति में वापस आ जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी बात मान ली। भाजपा के सांसद धर्मवीर सिंह चरखी दादरी में, जबकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर यमुनानगर में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। यहां दोनों नेता पत्रकारों से मुखातिब हुए तो पहलवानों का सवाल भी पूछा गया, जिसके जवाब में दोनों नेता कहीं न कहीं कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। बता दें कि कुश्ती संघ के चुनावी नतीजों के बाद ब्रजभूषण सिंह ने खुलेआम अपना दबदबा दिखा आंदोलनकारी पहलवानों को अपनी ताकत दिखाई, जिसके बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लिया और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान ही लौटा दिया। ऐसे में सरकार पर बड़ा दबाव पड़ा और खेल मंत्रालय को कुश्ती संघ को ही भंग करना पड़ गया। हालांकि ब्रजभूषण और पहलवानों के बीच छिड़ी ये लड़ाई यौन शोषण को लेकर है, जिसमें इंसाफ का होना अभी बाकी है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण और यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।